अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद का ऑफिस है, अली नासर रिजवी साहब का। अभी सर थोड़ी देर तक आते हैं और आप लोगों से डिस्कशन भी होगी और उनसे बातचीत भी होगी। थैंक यू, स्टे विद अस। दिखाई उसमें देखा जो तस्वीर जो हमने पसंद की ना वो ये की, फिर हमने आईजी साहब पंजाब को दी, आईजी साहब पंजाब ने ओके किया, फिर आईजी साहब पंजाब ने 3 दफा देखी तस्वीर बनते हुए, अच्छा फिर फ्रेम आईजी साहब पंजाब को सिलेक्ट कराया गया, वाह फिर आईजी साहब पंजाब ने फ्रेम यार, सिलेक्ट यार किया, फिर सर और सर देखे ना सर, इट्स ऑल पेंट बड़ी आपकी बात तस्वीर है से, और सर यार, आप शायद आपने कहाँ से सीखी है? सर ये बचपन का शौक है, तो अब ये कि मैं बेसिकली एम टेक्सटाइल फैशन डिजाइनर सर। अच्छा जी सर, तो यार तो मैंने तो अभी शुरू करते हैं, मैं तो में सर अभी कहाँ भाभी से मिसेस की भाभी से मुलाकात करवाता हूँ, अभी कहाँ काम पे शुरू कर रहे हैं कर एनसीए में सर? ऐसे आप पंजाब में कैसे कर रहे हैं? रहा और एनसीए वाले पागल हो गए, वो कहते हैं यार तुम ये बोलती आंखों वाली तस्वीरें कैसे बनाते सर। देखे ना, आंखों में इतनी शाइन है कि वैसे वैसे है ही सर ये तो मार्केट जो है ना सर, ये उस वक्त शाइन थी वो आपको पता है, एक्शन गा पे गा जब आप आए थे सर, अच्छा मेरी बात सुनो शायद सर। मेरे पास ना एक पेंटिंग बन के आई, पता है वो मुझे काम करवाने के लिए मजबूर करता है यार। मुझे ना बताओ, इनका मुझे कॉल आ रही थी, मैंने कहा मैंने एडीपी मैंने जान के लिखा ताकि इनको पता चले कि वो गवर्नमेंट का इट्स फाइन बट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। फिर मैं इतने ना उतनी देर तक मैंने देखा था किसी ऑफिसर पे मैसेज आया था कि PC1, तो मैंने अपनी टीम से पूछा, मैं कहा ये वही नहीं तो मैंने कल साइन किया, उसने कहा कल का साइन करके भेज दिया, तो मैंने इनको भेजा, कहते नहीं मसला कोई और है, हम मैंने एक बंदे को बुलवाना है। मैं क्या हुआ था, मैं भागा भागा, मैं इससे पहले वो दफ्तर फोन सर मेरे पास शहरबानों की कॉल आई कि शाहिद बैठे हुए हैं, फिर आई साहब की कॉल आई कहते शाहिद बैठे, मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं NRTC की मीटिंग कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पता है, कहते ये वो तोहफा है जो लाहौर से रंधावा साहब के लिए मैं भिजवा रहा हूँ, तो शाहिद को फौरी, मैंने कहा सर मैं रख लूँ शाहिद को भेज दूँ, कहते तुमने और शाहिद ने दफ्तर जाना है, हाँ वहाँ जाके देनी है और बताना है कि डॉक्टर उस्मान साहब ने भेजी। उनसे कहिएगा, अब आपने जो अगली बात करनी है उनसे कहिएगा सर, जब इन सारी बातों में उनको ये पता चला कि आईजी पंजाब के कहने पर, तो वो सारा कुछ छोड़ ही तरफ चलता ना, आया मैं इसीलिए हूँ कह रहे कि आईजी पंजाब के बाहर बच्चों के पास बैठे।